उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में रेप के आरोपी को सजा दिलाने के मामले में मिसाल पेश की गई है। यहां फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 5 दिन के ट्रायल में ही सजा सुना दी है। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले को लेकर जिले के SP विजय धौल ने कहा है कि अगर जांच जल्द ही हो जाए तो तथ्यों को तत्काल कोर्ट के सामने रख दिया जाएगा तो इसका सकारात्मक असर दिखाई देता है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पेश की कानून की मिसाल, 5 दिनों में दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एक्चुअली मिसौलिया थाने में जो है एक मुकदमा दर्ज हुआ और 18 तारीख को वहाँ हमारे यहाँ जो है उसकी चार्जशीट आई, तो मैंने सेम डे में ही जो है उसको चार्ज बनवाया उसके भास्कर की, मान लीजिए सामने उसको जो है चार्ज बनाया। चार्ज बनाने के बाद मैंने उसको नेक्स्ट डेट में लिस्टिंग कराया सुनवाई के लिए। उनका क्या रोल रहा जी? आरोप श्रीवास्तव का बड़ा अहम रोल रहा, उन्होंने जो है उनके थाने पे दर्ज हुआ और उन्होंने विदिन 15-16 डेज में जो है उन्होंने सारा एविडेंस कलेक्ट करके न्यायालय में चार्जशीट जो है दाखिल किया और दाखिल करने के बाद जो है वो तुरंत गवाहों को भी मैंने कहा और वो अपने थाने से जो लोकल में गवाह थे सारे गवाहों को अरेंज करके वो लाए और लाने के बाद ही ये संभव हो सका कि जो हम तुरंत न्याय दिला। देखिए थाना मिसौलिया में हमारा एक पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज हुआ, इस पर पुलिस ने उसकी कार्रवाई जो विवेचना थी वो तत्परता से प्राथमिकता से और त्वरित गति से पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय में चार्जशीट भेजी गई और माननीय न्यायालय द्वारा भी उस पर त्वरित उसका संज्ञान लेकर और जितनी भी जो अभियोजन की कार्रवाई थी वो 5 दिन में पूरी करके जो उसमें अभियुक्त था उनको सजा दी गई। इस बारे में मुझे केवल इतना कहना है कि अगर पुलिस अपनी विवेचना जल्दी पूरी करे, माननीय न्यायालय में उसकी प्रभावी पैरवी करें और तुरंत ही सभी लोगों के बयान हो जाएं और कोई भी इस प्रकार का जो भी हमारे टेक्निकल या जो भी हमारे साक्ष्य हैं उन सबको माननीय न्यायालय के समक्ष टाइम बाउंड फैशन में हम लोग पेश करें तो इसका एक अच्छा डिटरेंट इफेक्ट क्रिमिनल्स पे पड़ेगा।